पुलिस बाबू जेल अधीक्षक अमाप संपत्ति सत्य प्रकाश स्वई केन्दुझर जेल सुपरिटेंडेंट एवं विजिलेंस जाल एककालीन सातटी ठिकणा चढ़ाऊ पर बाबू संपत्ति देखि ताजुब हो जांच संस्था। गुरुत्वपूर्ण कथा हेउची सत्यप्रकाश भुवनेश्वर झारपड़ा जेल अधीक्षक थिबा समय रे कैदीक ठारु मोटा अंकर चांदा नेउथिबा अभियोग होइथिला। ए हेउची झारपड़ा जेल तत्कालीन फार्मासिस्ट शिवस्नाथ सामंतराय और सुपरिटेंडेंट सत्यप्रकाश स्वाईं विरोध में जड़े कैदी लक्ष्मण श्रीनिवासन लिखिथिबा चिठी। जेल फार्मासिस्ट तांक ठारु मासिकिया चांदा दाबी करथिले, टंका नदले लकअप्रे बंद करदेवाकु धमक देथिले। सबु निर्यातना और दुर्नीति पछरे जेल सुपरिटेंडेंट सत्यप्रकाश स्वाई ही मास्टरमाइंड बोली से अभियोग करथिले। कैदीक ठारु मिलुथिबा टंकारे अयस करिबा सह विभिन्न स्थानरे जमी किणुथिले ओ विदेश भ्रमण करथिले सत्यप्रकाश स्वाई। हम पाखरे काम करथिले ना ना से समय सेमती किसी ना से तो भुवनेश्वर जावास करते गोटे साधा सीधा लोक भाया देखा जाते मुझे एतटा मानने ये भी दूनि कि कम करते सब ये दुर्नीति कम कर प्रकार सुजोग नथिला। जेल भितरे हेउथिला केलेंकारी कैदी काम करुथिले अधीक्षक सत्यप्रकाश स्वाई 2001 रे संबलपुर कुचिंडारे थिबा सब जेल रे अतिरिक्त जेलर भाबे दायित्व आरंभ करथिले। परवर्ती समय रे ब्रह्मपुर ढेंकानाल कटक रे अतिरिक्त जेलर भाबे रहिथिले। 2008 रे प्रमोशन पाई से जेलर होइथिले। जेलर हेबा परे से बलांगीर और ढेंकानाल रो विभिन्न जेल रे काम करिछंती। यार भितरे पुणी प्रमोशन पाई सुपरिटेंडेंट होइथिले। झारपडा एवं केन्दुझर जेल रे कार्य तुलाइथिले। नजर पकातु सत्यप्रकाश संपत्ति उपरे लक्ष्मीसागर अंचल रे 1.5 कोटी टंकार चारि महला कोठा, भुवनेश्वर बलांगीर ढेंकानाल रे 4टी दामी जमी, बैंक अकाउंट रे लक्षाधिक टंकार जमाराशि, बीमा और पोस्टल डिपोजिट माध्यम रे सेविंग्स, गोटे दुई चकिया गाड़ी और गोटे चारि चकिया गाड़ी। शेष करी जेलर सुपर्ण जो माने रहंती सेमानकर सहित जो मैंने अच्छा बाहर सब लोग अच्छा जेल भितर जो मैंने रहती जो बंधु बांधव कि सांगसाथी रहा सहित संबंध आसी थाए तार एमाने से सुविधार दुरुपयोग करती हो कौन। नुआ सरकार आसीबा परे एक्टिव मोड को आसी विजिलेंस विभाग जनक परे जने सरकारी बाबू को बांधि जेल रे पुराउथबा बेले दुर्नीतिग्रस्त बाबू को भितर एवं छनका पशिचि। पुरीरु कैमरामैन पवित्रंक सह सीमांचल पाड़ी और भुवनेश्वर कैमरामैन चिन्मयंक सह समजित सिन्हांक रिपोर्ट कनक न्यूज़।